और साग के ऊपर मक्खन, और तो फिर क्या ही बात है। आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ बाजरे की रोटी, और उसके लिए मैंने बाजरा ले लिया और इसको अच्छी तरह साफ़ करके और उसको पीसने लगी हूँ मशीन में। तो ये बाजरे को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके अब इसको बारीक पीसने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आटे को मैंने पीस लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसको छान, एक परात या एक बाउल ले ले और उसमें छलनी रख के इसमें आटा छान ले बाजरे का। ये देखिए आटे को मैंने छान लिया और ये दोबारा इस बाजरे को पीसूंगी। अभी ये मोटा है इसके अंदर, देखिए ये आटा। आटे को छान कर ये गरम पानी ले लिया हो, गरम पानी के साथ बाजरे को आटे को गूंथते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह गूंथ ले। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ ले। बाजरे के आटे में ज्यादा पानी नहीं डालते। इसको आधा आधा करके इसके दो पेड़े बनाऊंगी। इस तरह के पेड़े करके रख ले। ये भी पेड़ा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो पेड़े मैंने कर लिए। अब आटे का थोड़ा सा डस्ट करके नीचे एक छापर बिछा लेना और थोड़ा सा इसके ऊपर डस्ट करके। बेलने से बेल रोटी को मैंने बेल लिया और अब इसको उठा के और तवे को गरम करके हल्का सा ऑयल लगा दें। बिस्मिल्लाह।
और रोटी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। दूसरी साइड चेंज कर लेंगे, इसी तरह दूसरी भी पका लेनी। अभी इस साइड से भी पक चुकी है। बिस्मिल्लाह। और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना। एक साइड से पक चुकी है, इस अब दूसरी साइड से पकाते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। दूसरी साइड से पक चुकी है, देखें इस साइड से। बिस्मिल्लाह। अब दूसरी भी इसी तरह बना लेने। दूसरी रोटी बन चुकी है, अब इसको भी तवे पे डाल लें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक साइड से पक चुकी है, ये देखिए बबल आने की, इसकी साइड चेंज कर दें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस साइड पे भी पक चुकी है और ऑयल लगा दें। ये देखिए कितना प्यारा बन गया पराठा। ये पराठा भी तैयार है, फ्लेम ऑफ कर दें और डिश आउट कर लें। बिस्मिल्लाह। बाजरे की रोटी तैयार है गरम गरम, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बाजरे की रोटी के साथ साग बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह। और साग के ऊपर मक्खन, और तो फिर क्या ही बात है। आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।